स्टूडेंट वेलकम टू एनजीडी 101 लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 15 के ना स्टार्ट पे जो काम था ना वो हमने लेक्चर नंबर 14 के अंदर राम रियल वगैरह वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड वो सारा चीज ना काफी डिटेल के साथ पढ़ा था, इसलिए ये मैं वहां से निकाल रहा हूं। ये मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं जर्नल एंट्रियों से। जर्नल एंट्रियों के अंदर ये जो जर्नल एंट्री है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। इसके अंदर से लास्ट में वो एमसीक्यूज पूछता है। एमसीक्यूज कैसे पूछता है विजी? वो कहता है राम रियल इशू टू प्रोडक्शन, कौन से दो अकाउंट इसके अंदर शामिल है, ये डेबिट क्या होगा, वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, क्रेडिट होगा या नो डेबिट नो क्रेडिट, इस तरह कोई भी चार ऑप्शन बना के वो पूछ सकता है हेडिंग देके। और तो इसलिए आप इसको कम से कम थोड़ा बहुत लाजमी समझ लें ताकि आपको एमसीक्यूज करने में आसानी हो जाए। फिर मैंने बताया था इसके अंदर से एक या दो एमसीक्यूज लाजमी आने हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमने पीछे भी किया है। रॉ मटेरियल मटेरियल क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। एसेट्स को जब भी परचेज किया जाता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो स्टॉक या मटेरियल अकाउंट डेबिट, तो अगर तो हमने नगद कैश दिया है तो कैश हमारा एसेट्स है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो रहा है। लेकिन अगर हमने गुड्स परचेज करने के बदले में चेक दिया है तो हमसे बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर उधार एंट्री थी फिर क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह कॉस्ट इनक्योर्ड या एक्सपेंसेस, जब भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं या कॉस्ट लगाई जाती है वो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। रेलिवेंट कॉस्ट या एक्सपेंस, एक्सपेंस हेड का मतलब उसने कौन और नाम बता दिया है, अगर सैलरी दी है तो सैलरी डेबिट, अगर यूटिलिटी एक्सपेंसेस की है तो वो डेबिट, कोई भी एक्सपेंस की है तो वो क्या होगा, एक्सपेंसेस कोई भी होंगे या कहीं भी कॉस्ट लगाई जाए वो क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है। क्रेडिट भी क्या आ जाएगा, अगर तो नगद था तो कैश हमसे जा रहा है, अगर चेक दिया है तो वो, अगर उधार थी तो पेएबल या क्रेडिटर। रॉ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को पता चाहिए जो बेसिक आइटम होती है कि जिसको अभी प्रोसेस के अंदर डालना होता है बनने के लिए, तो उसके रॉ मटेरियल को हम कहाँ भेजते हैं, प्रोडक्शन के लिए भेजते हैं। तो वहां पर जो काम शुरू हो गया कौन सा होता है, वर्क इन प्रोसेस, वहां पर वो चीज के ऊपर प्रोसेस होना वर्क होना शुरू हो गया, तो वो वाला अकाउंट हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो जो स्टॉक था हमारे पास वो हमसे कम हो गया, कि जहां राम मटेरियल पहले पड़ा हुआ था वहां से तो कम हो गया, तो जब डिक्रीज हो गया कम हो गया तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब इसी तरह वर्क इन प्रोसेस डेबिट, उसी तरह एक और उसमें ऐसे भी हो सकता है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वो तो डेबिट होना ही होना था, लेकिन अगर आपने उसके एक्सपेंसिस आपसे खत्म हो गया, आप यानी कि पहले एक्सपेंसिस काट रहे थे जब राम मटेरियल खरीदा आप नहीं काट रहे तो एक्सपेंसिस क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। When product is complete, जब चीज पूरी होगी, पहले वर्किंग प्रोसेस में थी वो डेबिट था क्योंकि वहां पर वो वाला अकाउंट हमारा इंक्रीज था, लेकिन अब हमसे चीजें बन गई हैं कंप्लीट हो गई हैं तो अब हमारा क्या होगा, फिनिश गुड्स वाला जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जो वर्क इन प्रोसेस वाला जो अकाउंट डिक्रीज हो गया ना क्योंकि चीजें बन गई हैं तो वो वाला जो वर्क चल रहा था वो खत्म हो गया, कम हो गया, तो डिक्रीज हो गया तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल, जब किसी चीज को सेल करने में हमारी कॉस्ट लगी हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट। ये क्यों करा, फॉर एग्जांपल मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब एट द एंड ऑफ द पीरियड जब हमारा जो फिनिश गुड्स बच जाती हैं उसे हम किस में डिडक्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से डिडक्ट कर देते हैं। जब भी एट द एंड ऑफ द पीरियड बचता हो, आपको वो स्केच भी याद होगा जो मैंने एंड पे बनाया, तो उस लिहाज से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर आप आइटम्स चली जा रही है वो इंक्रीज हो जाना, फिनिश गुड्स तो हमसे चली गई जो बच गई है जो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसी तरह एंट्री ऑफ सेल ऑफ गुड्स, चीजों को बेचना है जब, तो अगर तुम नगद बेची है तो कैश अकाउंट, अगर उधार बेची है तो अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर चीजें सेल की हैं उसके बदले में हमारे पास कुछ तो आना है, अगर तो नगद बेची है तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर उधार बेची है तो क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल यानी कि डेटर जिससे हमें पैसे लेने हैं वो भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है, करंट एसेट, वो डेबिट हो जाएगा। और चीजें तो हमसे जा ही रही है वो सेल तो क्रेडिट होना ही होना है। एंट्री ऑफ मटेरियल रिटर्न्ड,
जब चीजें वापस आई हैं तो गुड्स रिटर्न, क्योंकि पहले गुड्स हमसे गई थी तो स्टोर क्या किया था, क्रेडिट किया था पीछे, तो अब क्या गुड्स वापस आ गई हैं, हमारे गुड्स वाले एसेट्स के अंदर इजाफा हो गया, इंक्रीज हो गया, गुड्स रिटर्न डेबिट। वैसे भी याद रखो जब गुड्स जाती हैं तो क्रेडिट होती हैं और जब वापस आती हैं तो वो क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, क्योंकि वो इंक्रीज हो जाएगा वापस आने में। तो स्टॉक मटेरियल जो हमारा पड़ा हुआ था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह अगर तो गुड्स सेल की हैं, सेल मटेरियल रिटर्न किया है तो हमारे पास क्या आएगा, क्या अगर हमने वापस किसी को किया है तो हमारे पास क्या आएगा, गुड्स रिटर्न, गुड्स हमें चली जाएंगी और उसके बदले वो हमें क्या दे देगा, कैश या चेक दे देगा। If supplier purchase other goods in return, इसका मतलब है कि some time आपने बाजार में देखा होगा, अक्सर दुकानदारों ने लिखा होता है कि जी हम चीज की वापसी नहीं करेंगे, तब्दीली कर लेंगे, यानी कि उसके बदले में आपको कोई और चीज दे देंगे, हमें पैसे वापस नहीं करने, कैश नहीं हमने आपको वापस करना। उस सूरत में क्या होता है, रॉ मटेरियल डेबिट जो रिटर्न हुआ है और रॉ मटेरियल जो वो खरीद के गया वो गुड्स रिटर्न जो किए हैं वो क्रेडिट, ठीक है, रिटर्न क्रेडिट हो गया और दूसरा जो मटेरियल उसने परचेज कर लिया वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसी तरह ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर उसने कहा हुआ है कि कोर्स ऑफ गुड्स सोल्ड बनाए हैं, सेल्स काउंट वगैरह वगैरह उसने किया हुआ है, लेकिन आपको पता है सबसे पहले जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है, जनरल एंट्रियों का होता है। अगर आपको जनरल एंट्री अच्छी तरह आ गई तो आप हर क्वेश्चन को इजीली कर लो, ये बेस होती है, इसलिए बार बार इसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स को क्या किया, परचेज किया है, तो गुड्स जब भी परचेज की जाती हैं तो हमारा एसेट इंक्रीज होता है, तो लेकिन गुड्स किसके नाम से आएगी, परचेजिंग अकाउंट, परचेजिंग अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से, गुड्स परचेज की हैं तो हमसे क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, चीजें खरीदी हैं कुछ तो जाना हमसे, तो कैश जा रहा है, तो कैश हमारा क्या चीज होती है, एसेट होता है, तो एसेट जब डिक्रीज हो तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट क्रेडिट कितने का, 10,000। ये पहली एंट्री होगी। दूसरी में क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, अब गुड्स क्या की है, उधार खरीदी है, मैंने पहले बताया चाहे नगद खरीदो चाहे उधार खरीदो, गुड्स तो हमारे पास आ रही है, इसलिए ऐसे ही होगा, परचेजिंग अकाउंट डेबिट, लेकिन आप उधार खरीद रहे किससे खरीद रहे, उधार एबीसी से, तो एबीसी कंपनी का नाम आ जाएगा, कितनी अमाउंट है, आप अमाउंट लिख लो, 25,000। सोल्ड गुड्स विच कॉस्ट वाज 20,000, गुड्स को क्या किया, सेल किया है, तो गुड्स सेल की हैं तो हमारे पास क्या आना है, कैश आना है या चेक आना, तो हम कैश की बात कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट, और गुड्स सेल, गुड्स आपसे जा रही हैं तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितने अमाउंट क्या, 20,000। रिटर्न गुड्स तो एबीसी, ओरिजिनल कॉस्ट वाज, अब गुड्स हमें वापस आई है किससे, एबीसी से, जब गुड्स उसे खरीदी थी तो एबीसी अकाउंट क्या हुआ, परचेजिंग अकाउंट डेबिट था, तो एबीसी अकाउंट क्रेडिट था। चाहे किसी भी चीज की रिटर्न है, अगर सेल्स की रिटर्न है तो सेल्स वाली एंट्री को उल्ट कर देना है, अगर परचेज की रिटर्न है तो परचेज वाली एंट्री को रिटर्न के अंदर क्या करना होता है, उल्ट कर देना होता है, तब इसकी परचेज की रिटर्न है तो एबीसी अकाउंट अब डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट क्या, 5,000। नंबर 5, पेड टू एबीसी कंपनी 15,000 थ्रू चेक, मैंने कहा था जब भी पे का लफ्ज आ जाए तो कैश आपसे क्या होता है, अगर तो चेक है तो चेक बैंक क्रेडिट हो जाएगा, अगर कैश है तो क्या होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जब लफ्ज रिसीव आ जाए तो उसके उल्ट हो जाना होता है, फिर आपके पास आ रहा होता है कैश या बैंक डेबिट होगा, लेकिन अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं एबीसी कंपनी को, तो जब एबीसी हमारी क्या थी, लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर था, तो जब लाइबिलिटी होती है तो वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं,
जब उसको पैसे दे देंगे तो हमारे ऊपर से लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज हो तो वो क्या होती है, डेबिट होती है। एबीसी अकाउंट डेबिट, तो थ्रू चेक है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितने अमाउंट का, 15,000। अब सिक्स वाले आ जी, सोल्ड गुड्स हूज कॉस्ट वाज 5,000। अब गुड्स को सेल कर रहे हैं तो गुड्स हमसे जा रही हैं, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट जो मर्जी कह लो वो क्रेडिट। कितने अमाउंट का, 5,000। ठीक है, लेकिन ये मैंने कहा था ये उसने रिक्वायर नहीं किया हुआ था। अब आपने उसने जो रिक्वायर किया हुआ है तो आपने किस लिहाज से इनकी जनरल एंट्री को उसके अकाउंट्स बना लेने हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल जब कैश का अकाउंट बना होगा तो जिसके अंदर कैश आ रहा है वो कैश के अंदर लिख लेनी है, परचेजिंग का बना होगा तो परचेजिंग वाले लिख लेनी है। तो आप उस लिहाज से लिखोगे तो जो उसने रिक्वायर किया हुआ वो आपसे निकल आएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में या फिर जीमेल पे मुझे बता सकते हो, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।